प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 10.3 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्कल पर बेस्ड एक थ्योरम। तो उसको थ्योरम को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। दी गई है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर है, अगर वो कोर्ड पर गिराया जाता है तो वो कोर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, कोर्ड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। तो देखो, कुछ नहीं किया हमने, एक सर्किल ले लिया, मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। तो ये सर्किल आपके सामने आ गया, ठीक है। अब मैंने इसमें एक सेंटर ले लिया बच्चे, ये रहा सेंटर। एक कोई भी कोर्ड ले लो, मैंने कोर्ड ए बी ले ली, ए बी। अब सेंटर से आपने कोर्ड गिराई, सेंटर से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉन किया कोर्ड पर, तो उसने कोर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी इक्वल्स टू बी डी। बात आई समझ में? आपको दिया क्या है, सिर्फ ओ डी एक परपेंडिकुलर है, वो दिया गया है। तो पहले आपको रफली समझाता हूँ कि थ्योरम कैसे प्रूफ होने वाली है। तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर आपने ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया। आपको पता है ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्यों है बेटा, जल्दी बताओ क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है। उसके बाद ओ डी हो गई कॉमन, हो गई। उसके बाद ये 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है, क्लियर है? तो आर एच एस, आर एच एस कोवेलेंसी रूल से ये प्रूफ हो गया, और उससे ए डी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है। देखो हमें गिवन में वो लिखिए, आप गिवन में दिया गया है बच्चों, ओ डी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। आगे टू बी प्रूव्ड, क्या सिद्ध करना है, ए डी किसके सिद्ध करना है बेटा, ए डी बी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इसका ट्राइंगल दिया गया, मैंने अभी आपको बताया, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी में। तो आपको क्या क्या दिया गया बेटा, राइट एंगल दिया गया। तो सबसे पहले एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल बी डी ओ इक्वल्स टू कितना हो गया, या फिर ईच 90 डिग्री। पहला रीजन तो बच्चे ये हो गया। दूसरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दी गई बेटा, ओ ए, क्योंकि आपको बताया ना 90 के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनस। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। ये क्या है, मतलब इक्वल किस वजह से, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ओ ए इक्वल टू किसके हो गया, ओ बी के हो गया। तीसरी चीज क्या होगी भैया, ओ डी इक्वल टू ओ डी, ये हो गई आपकी कॉमन। अंडरस्टूड? तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए ओ डी किसके कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल चेक करो, देखो डी वाला डी के इक्वल है, थर्ड नंबर पे डी है तो थर्ड नंबर पे डी आ गया बेटा। सिंपल सा लॉजिक है, डी वाला डी के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो जल्दी, अब यहाँ ओ ओ सेम या ओ ओ सेम, तो ओ वाला ओ के इक्वल हो गया, ओ सेकंड गया, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो ए ओ डी हो गया बी ओ डी। आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से ये प्रूफ हो गया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये कॉन्ग्रेंसी रूल से प्रूफ हो गया। तो अब सी पी सी टी है, तो हम लिख देंगे ए डी किसके इक्वल है, बी डी की, किससे, बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, अंडरस्टूड, सिद्ध हो गया, क्लियर होगी बात, सब समझ में आ गया आपको, सॉर्टेड है। तो ये थी थ्योरम। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा, इनर बोर्ड के अंदर हम देख लेते हैं। देखो आपको कुछ नहीं दिया गया, एक सर्किल दिया गया है, अगर कोर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको बाइसेक्ट लेंगे, ठीक है। कोर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्टली आप ए बी किसके इक्वल ले लेंगे, ए सी के, जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ किया। आई होप आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।